कक्षा बारह व्यवसाय अध्ययन के अध्याय ग्यारह विपणन के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आज हम निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे आइए पहला प्रश्न है विपणन अवधारणा क्या है यह है माल और सेवाओं के प्रभावी विपणन में कैसे मदद करता है यहाँ पर विपणन अवधारणा के बारे में पूछा गया है विपणन की अवधारणा को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है पहला है उत्पादन की अवधारणा देखिए यह बहुत प्राचीन अवधारणा है औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में व्यवसायिक क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित थी जो प्रारंभिक व्यवसायिक क्रियाएं थी वे वस्तुओं के उत्पादन पर बल देती थी उस समय वस्तुओं के जो उत्पादक होते थे वे कम मात्रा में थे और जो ग्राहक थे वे अधिक संख्या में हुआ करते थे और वस्तुओं की मांग बहुत अधिक होती थी तो ऐसी स्थिति में उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया उत्पादन को अधिक रखने पर जोर दिया गया ताकि जो ग्राहक थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके उनकी मांग पूरी की जा सके वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर अधिकतम लाभ कमाया जा सकता था इससे उत्पादन की औसत लागत को कम किया जा सकता था ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदेंगे जिनका मूल्य उनके सामर्थ्य के अनुसार होगा देखिए ग्राहक उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं जो उनके सामर्थ्य के अंदर हो जिसका मूल्य वे चुका सके एक वस्तु दस रुपए की है एक वस्तु पंद्रह रुपए की है दोनों की क्वालिटी एक जैसी है तो वह दस रुपए मूल्य वाली वस्तु को खरीदेगा किसी व्यवसायिक इकाई की सफलता की कुंजी उत्पाद की उपलब्धता एवं सामर्थ्य में होना मानी जाती थी। देखिए प्रारंभिक समय में यह अवधारणा थी कि यदि ग्राहक को उत्पाद उपलब्ध करा दिया जाए उत्पादन को बढ़ाकर ग्राहक की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उसकी मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद तैयार कर लिया जाए तो ग्राहक आसानी से उस उत्पाद को खरीद लेगा जो कि उसके निवास स्थान के पास उपलब्ध है साथ ही उसके सामर्थ्य में उसका मूल्य होना चाहिए देखिए जब अधिक उत्पादन होगा तो वस्तु का मूल्य कम होगा यदि कम उत्पादन किया जाएगा तो अधिक लागत के कारण उसका मूल्य भी बढ़ जाता है दूसरी थी उत्पाद की अवधारणा देखिए यहां पर उत्पाद की गुणवत्ता को अच्छा बनाने पर जोर दिया गया इकाइयां उत्पादन की मात्रा के स्थान पर उत्पाद की गुणवत्ता को अधिक महत्व देने लगी व्यावसायिक क्रिया का केंद्र बिंदु अब निरंतर गुणवत्ता में सुधार तथा वस्तु को नया स्वरूप प्रदान करना हो गया उत्पाद मूलक अवधारणा में उत्पाद में सुधार फर्म के अधिकतम लाभ की कुंजी बन गया देखिए अब दूसरी अवधारणा यह थी कि उत्पाद की गुणवत्ता में यदि सुधार कर दिया जाएगा उत्पाद को अच्छी क्वालिटी का बनाया जाएगा तो ग्राहक उसे अधिक मात्रा में खरीदेंगे और इससे जो उत्पादन करता है उसका लाभ बढ़ेगा बिक्री की अवधारणा तीसरी अवधारणा है बिक्री की अवधारणा ग्राहक फर्म के उत्पादों का क्रय करे इसके लिए अब व्यवसायों के लिए आक्रामक विक्रय एवं प्रवर्तन करना अनिवार्य हो गया देखिए जब बाजार में उत्पादनकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बनने लगी बहुत सारे उत्पादनकर्ता हो गए एक ही वस्तु का उत्पादन करने के कई सारे उत्पादनकर्ता बाजार में आ गए और ग्राहकों की संख्या कम रही यानी उन वस्तुओं को खरीदने वाले तो उसी संख्या में थे लेकिन जो सप्लाई करने वाले थे वे बहुत अधिक मात्रा में हो गए तो इनके बीच में ये होड मची कि किस प्रकार हमारे उत्पाद अधिक से अधिक मात्रा में बेचे जाएं? इसके लिए वे आक्रामक विक्रय का सहारा लेने लगे कई प्रकार के विक्रय संवर्धन की तकनीकों का सहारा लेने लगे ताकि ग्राहक उनके उत्पादों को खरीदे तो ग्राहकों के बीच में बिक्री को बढ़ाकर भी लाभ अर्जित करने पर यह अवधारणा केंद्रित थी उत्पादों की बिक्री के लिए विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय विक्रय परिवर्तन जैसे विक्रय संवर्धन तकनीकों का प्रयोग आवश्यक माना जाने लगा इकाइयां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए आक्रामक विक्रय पद्धतियों पर अधिक ध्यान देने लगी जिससे कि ग्राहकों को वस्तुओं के क्रय के लिए प्रोत्साहित लुभाया एवं तैयार किया जा सके देखिए एक प्लस एक का ऑफर दिया जाने लगा एक खरीदो एक फ्री पाओ पचास प्रतिशत ऑफ चालीस रुपए की छूट इस प्रकार के ऑफर दिए जाने लगे और इस प्रकार से प्रचार किया जाने लगा कि वस्तु की जानकारी उपभोक्ता तक आसानी से पहुंच जाए इसके लिए जो फर्मे थी वह बहुत सारा धन भी खर्च करने लगी ताकि ग्राहक को लुभाया जा सके उन्हें उत्पाद खरीदने के लिए तैयार किया जा सके क्रेताओं को यन केन प्रकार माल बेचा जा सकता है लेकिन दीर्घ अवधि में केवल उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही उपयोगी होती है देखिए आप एक बार तो माल बेच देंगे लेकिन जब तक उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी उपभोक्ता तुष्ट नहीं होगा तो आप दीर्घ अवधि तक उसे माल नहीं बेच सकेंगे विपणन की अवधारणा और जो विपणन की अवधारणा है वह उपभोक्ता की संतुष्टि पर ही आधारित है बाजार में किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि है दीर्घ अवधि में कोई भी संगठन यदि अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने वर्तमान तथा संभावित क्रेताओं की आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी प्रभावी रूप से संतुष्टि करनी होगी देखिए दीर्घ अवधि तक यदि संगठन लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने वर्तमान ग्राहकों और जो भावी ग्रायक है संभावित ग्रायक हैं उनकी आवश्यकताओं का पता लगाकर उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए संगठन में सभी निर्णयों का केंद्र बिंदु ग्राहकों की संतुष्टि होता है उदाहरण के लिए किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा इस पर निर्भर करेगा कि ग्राहक क्या चाहते हैं अधिकतम फर जो ग्राहक चाहता है उसी के अनुरूप उत्पाद तैयार करते हैं वे उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं इस अवधारणा का आधार है कि उत्पाद एवं सेवाएं उनके गुण पैकिंग अथवा ब्रांड के कारण नहीं खरीदी जाती बल्कि यह ग्राहक की कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करती है इसलिए खरीदी जाती आती है देखिए जब तक ग्राहक की विशेष आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तब तक वह किसी भी उत्पाद को नहीं खरीदेगा किसी भी संगठन की सफलता की पहली आवश्यकता ग्राहक की आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुसार कार्य करना है विपणन की अवधारणा के निम्न स्तंभ हैं पहला बाजार अथवा ग्राहकों का विपणन के लक्ष्यों के रूप में चयन करना किस बाजार में किन ग्राहकों के लिए आप अपने उत्पाद तैयार कर रहे हैं ऐसे ग्राहकों का ऐसे बाजार का चयन करना लक्षित बाजार के ग्राहकों की इच्छा एवं आवश्यकताओं को समझना और फिर जो बाजार आपने चुना है उसके ग्राहकों की आवश्यकता को समझना उनकी रुचि को समझकर उत्पाद तैयार करना लक्षित बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं का विकास करना लक्षित बाजार की आवश्यकताओं को अपने प्रतियोगियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठता से पूरा करना देखिए प्रतियोगी फर्मों के पहले आपको उस बाजार पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए जो ग्राहक होता है उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना जरूरी हो जाता है और यह कार्य महत्वपूर्ण होता है यह सभी कुछ लाभ के लिए करना और ये जितने भी कार्य हैं ये सभी लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं विपणन की अवधारणा का केंद्र बिंदु ग्राहक की चाहत है तथा व्यवसायिक इकाई के अधिकतम लाभ के उद्देश्य की प्राप्ति ग्राहक की संतुष्टि से प्राप्त की जा सकती है देखिए कोई भी इकाई तब तक अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगी जब तक वह ग्राहक को संतुष्टि प्रदान नहीं कर देगी जब ग्राहक की आवश्यकता पूरी होती है तभी वह किसी उत्पाद को खरीदता है अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि को देखते हुए ही वह उत्पाद को क्रय करने के बारे में सोचता है सामाजिक अवधारणा यह भी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है समाज मूलक विपणन अवधारणा की धारणा है कि किसी भी संगठन का कार्य बाजार की आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी प्रभावी ढंग से तथा भली भाती संतुष्टि करना है जिससे कि उपभोक्ता एवं समाज का दीर्घ आवधिक कल्याण हो सके ग्राहक की संतुष्टि के अतिरिक्त इसमें विपणन का सामाजिक नैतिक एवं प्राकृतिक पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है देखिए ग्राहक की संतुष्टि तो है ही लेकिन आजकल सामाजिक नैतिक और प्राकृतिक पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है आपने देखा होगा कई उत्पादों पर एक रुपया बालिका शिक्षा पर जाएगा उत्पाद को कोई खरीदेगा तो या उसका एक प्रतिशत जो भाग है वह गरीब बच्चों के कल्याण पर जाएगा इस प्रकार समाज हित में भी जो उपक्रम है वे कार्य करने लगे हैं विपणन वस्तु एवं सेवाओं के प्रभावी विपणन में सहायक है किस प्रकार है व्यवसायिक संगठन चाहे लाभ अर्जन करने वाला हो अथवा गैर लाभ वाला विपणन की इनके उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोई भी संगठन हो चाहे लाभ अर्जित करने वाला हो गैर लाभकारी हो लेकिन विपणन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है विपणन उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है यह उन वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है इससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है व्यवसायिक संगठन की सहायता से संगठन की क्रियाएं ग्राहकों की आवश्यकताओं पर केंद्रित रहती है उदाहरण के लिए कोई भी व्यवसायिक संगठन किस उत्पाद या सेवा की बिक्री करे यह ग्राहकों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा इसलिए इसका निर्णय लेने के लिए किस वस्तु का उत्पादन किया जाए अथवा बिक्री की जाए ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करना होगा उत्पाद का अनुरूपण संभावित ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार किया जाएगा इनको उन वितरण केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जो ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है तथा इनका मूल्य भी ग्राहक की क्रय शक्ति के अनुसार होगा इस प्रकार विपणन व्यवसाय का वह आदर्श है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनकी सहायता करता है यह एक सर्वमान्य सत्य है कि एक संतुष्ट ग्राहक किसी फर्म की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति है यह व्यवसायिक संस्थाओं की वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रभावी विपणन में सहायता करता है आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दो विपणन मिश्र क्या है इसके मुख्य तत्व क्या हैं व्याख्या करें यहां पर विपणन मिश्र के बारे में पूछा गया है। देखिए विपणन चार तत्वों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम फोर पीस के नाम से जानते हैं प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन विपणन मिश्र विभिन्न दरों में मिलकर बनता है जो चार पीज के नाम से प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है उत्पाद प्रोडक्ट मूल्य प्राइस स्थान प्लेस प्रवर्तन प्रमोशन उत्पाद उत्पाद का अर्थ है वस्तु एवं सेवाओं अथवा अन्य कोई पदार्थ जिसका मूल्य है जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तावित किया जाता है उत्पाद से अभिप्राय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उनको प्रदान करने के लिए कुछ लाभों से भी है उत्पाद में इसका विस्तार भी सम्मिलित है अर्थात ग्राहक को बिक्री के बाद की सेवाएं शिकायतों को दूर करना अतिरिक्त मशीनी पुर्जों को उपलब्ध कराना आदि की सुविधाएं इन सभी का उपभोक्ता स्थायी उत्पादों के विपणन में जैसे ऑटोमोबाइल रेफ्रिजरेटर आदि के विपणन में बहुत महत्व है देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने उत्पाद ग्राहकों के लिए तैयार करती है ग्राहकों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उत्पाद तैयार करती है टाटा कंपनी का नाम सुना होगा रिलायंस कंपनी का नाम सुना होगा हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड का नाम सुना होगा ये सभी जो फर्में हैं ये ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई प्रकार के उत्पाद तैयार करती है अलग अलग प्रकार के कई सारे उत्पाद इन्होंने बाजार में उतारे हैं जो कि ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करते हैं उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय रूप आकार गुणवत्ता पैकेजिंग लेबल एवं ब्रांड के संबंध में होते हैं दूसरा है मूल्य प्राइस मूल्य वह राशि है ग्राहक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जिसका भुगतान करना चाहते हैं देखिए हर वस्तु का कोई ना कोई मूल्य होता है चाहे आप वस्तुओं का क्रय करें चाहे सेवाओं का उपभोग करें ग्राहक को उसका भुगतान करना होता है अधिकांश उत्पादों के मांग की मात्रा को उसका मूल्य प्रभावित करता है और उत्पाद की मांग उसके मूल्य द्वारा प्रभावित होती है यदि मूल्य बहुत अधिक रख दिया जाता है तो मांग कम होती है और मूल्य कम है तो मांग बढ़ जाती विपणनकर्ताओं के, मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों के संबंध में निर्णय लेना होता है बल्कि मूल्य निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कर फर्म के उत्पादों का मूल्य भी निर्धारित करना होता है ग्राहकों एवं व्यापारियों को दी जाने वाली छूट व वा उधार की शर्तों का फैसला भी लेना होता है कीमत उत्पाद की उपयोगिता से मेल खाती है देखिए विपणनकर्ताओं को मूल्य निर्धारण करते समय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं कि लागत भी प्राप्त हो जाए और लाभ भी वह फर्म अर्जित कर ले साथ ही अन्य जो प्रतियोगी फर्में हैं उनसे प्रतियोगिता में भी आगे रहे इसको देखकर ही मूल्य निर्धारण किया जाता है स्थान तीसरा है स्थान स्थान अर्थात वस्तुओं का वितरण में निर्देश उपभोक्ताओं को फर्म के उत्पादों को उपलब्ध कराने की क्रियाएं सम्मिलित है जहां उपभोक्ता निवास करता है उसके आसपास ही उसे उत्पाद प्राप्त हो जाए यह इसके अंतर्गत आता है इसके अंतर्गत भौतिक वितरण भी आता है और स्थान भी आता है जहां पर उत्पादन स्थल से जो उत्पादन स्थल है वहां से उपभोक्ता के आसपास ही वस्तुओं को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है इस संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे हैं उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए वितरक अथवा मध्यस्थ का चयन मध्यस्थों को छूट प्रवर्तन अभियान आदि के द्वारा समर्थन प्रदान करना इसके बदले में मध्यस्थ फर्म के उत्पादों का संग्रह करते हैं उन संभावित ग्राहकों को दिखाते हैं ग्राहकों से मूल्य तय करते हैं विक्रय को अंतिम रूप प्रदान करते हैं तथा विक्रय के पश्चात की सेवाएं प्रदान करते हैं अन्य क्षेत्र जिनके संबंध में निर्णय लिए जाते हैं वे हैं स्टॉक का प्रबंधन संग्रहण एवं भंडारण तथा वस्तुओं का उनके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता के स्थान को ले जाना यह भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं प्रवर्तन प्रमोशन देखिए वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवर्तन में जो क्रियाएं सम्मिलित है वे हैं उत्पाद की उपलब्धता, रंग-रूप, गुण आदि को लक्षित उपभोक्ताओं के समक्ष रखना तथा उसे इसके क्रय के लिए प्रोत्साहित करना वस्तु का निर्माण कर लिया गया है लेकिन सही तरीके से यदि उसका संप्रेषण उपभोक्ता तक नहीं किया गया है उपभोक्ता को उसकी जानकारी नहीं दी गई है तो वह उस उत्पाद को नहीं खरीदेगा इसके लिए प्रवर्तन के माध्यम से उन्हें उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है तभी वह उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित होता है अधिकांश विपणन संगठन कई प्रकार की बिक्री प्रवर्तन क्रियाएं करते हैं तथा इस पर भारी राशि व्यय करते हैं इसके कई माध्यम है जैसे विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय एवं बिक्री संवर्धन की विधियां जैसे मूल्य में कटौती मुफ्त नमूने आदि विपणन की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इन तत्वों को कितनी भली भांति मिश्रण किया जाए कि ग्राहक के लिए इनका महत्व बढ़ जाए साथ ही उनकी बिक्री तथा लाभ कमाने के उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाए देखिए विपणन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि किस तरीके से आप उपभोक्ता तक अपने उत्पादों की जानकारी पहुंचा दें इसके लिए आपको इन परिवर्तन के जो तत्व होते हैं विज्ञापन विक्रय संवर्धन व्यक्तिगत विक्रय प्रचार इनको किस प्रकार से आप काम में लें ताकि आपके जो उत्पाद हैं उसकी जानकारी उपभोक्ता तक आसानी से पहुंच जाए और आपकी बिक्री में बढ़ोतरी हो क्योंकि जब बिक्री में बढ़ोतरी होगी तभी लाभ अर्जित होगा प्रश्न नंबर तीन उत्पाद विशिष्टीकरण बनाने में ब्रांडिंग कैसे मदद करता है यहां ब्रांडिंग किसी उत्पाद को विशिष्ट बनाने में किस प्रकार मदद करता है पूछा गया है क्या यह वस्तु और सेवाओं के विपणन में मदद करता है व्याख्या करें उत्पाद के संबंध में किसी भी विपणनकर्ता को जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है वह ब्रांड के संबंध में होता है उसे यह निर्णय लेना होता है कि फर्म के उत्पादों का विपणन किसी ब्रांड के नाम से किया जाए या फिर सामान्य नाम से किया जाए जैसे नहाने का साबुन या लाइफबॉय डिटॉल इस प्रकार से देखिए साधारण रूप में आप अगर साबुन को बेचेंगे तो कई सारी फर्मों की साबुन बाजार में होगी आप उसमें से किसी अच्छे उत्पाद को किस प्रकार पहचानेंगे यह है बहुत कठिन हो जाएगा तो ऐसे समय में जो कंपनियां होती है वे अपने उत्पाद को कोई ना कोई ब्रांड नाम दे देती है जिससे उत्पाद आसानी से पहचाना जाता है यदि उत्पादों को उनके लाक्षणिक नाम से बेचा जाता है तो विपणनकर्ताओं को अपने प्रतियोगियों के उत्पादों से अंतर करना कठिन हो जाता है इसलिए अधिकांश विपणनकर्ता अपने उत्पादों को कोई खास नाम दे देते हैं जिससे कि उनके उत्पादों को अलग से पहचाना जा सकता है तथा प्रतियोगी उत्पादों से भी उनका अंतर किया जा सकता है किसी उत्पाद को नाम चिन्ह अथवा कोई प्रतीक आदि देने की प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है ब्रांड लाइफ बॉय ब्रांड नाम लाइफ बॉय ब्रांड चिन्ह आपके सामने प्रदर्शित है यह ब्रांड चिन्ह है लाइफ बॉय का ब्रांड ब्रांड नाम शब्द चिन्ह प्रतीक अथवा इनमें से कुछ का मिश्रण है जिसका प्रयोग किसी एक विक्रेता अथवा विक्रेता समूह के उत्पादों वस्तु एवं सेवाओं की पहचान बनाने के लिए किया जाता है देखिए कई विक्रेता विक्रेता समूह जो होते हैं वे अपने उत्पादों को एक अलग ब्रांड में प्रदर्शित करते हैं यह नाम भी हो सकता है शब्द भी हो सकता है चिन्ह भी हो सकता है प्रतीक भी हो सकता है या कुछ का समूह भी हो सकता है इससे इन वस्तु एवं सेवाओं का प्रतियोगियों के उत्पादों से अंतर किया जा उदाहरण बाटा लाइफ बॉय ये ब्रांड है अलग अलग कंपनियों के ब्रांड नाम ब्रांड का वह भाग जिसे बोला जा सकता है ब्रांड नाम कहलाता है दूसरे शब्दों में ब्रांड का नाम एक ब्रांड का मौखिक भाग है उदाहरण एशियन पेंट लाइफ बॉय आदि ब्रांड, ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा नहीं जा सकता लेकिन जिसे पहचाना जा सकता है, कहलाता है यह एक प्रतीक आकार अलग रंग अथवा शब्दों की बनावट के रूप में होता है देखिए यह तो हो गया ब्रांड नाम नाइकी और इसके ऊपर आपने इस प्रकार से चिन्ह देखा होगा सही का चिन्ह होता है जो कि इस प्रकार का होता है यह क्या हो गया इसका ब्रांड चिन्ह हो गया इसी प्रकार जो एप्पल कंपनी है उसका ब्रांड चिन्ह कैसा होता है कटा हुआ एप्पल होता है थोड़ा सा कटा हुआ एप्पल होता है तो ये क्या है यह उसका ब्रांड चिन्ह होता है तो इस प्रकार से ब्रांड होता है ब्रांड नाम होता है ब्रांड चिन्ह होता है ट्रेडमार्क देखिए जब कोई अपने ब्रांड को कानूनी आधार पर मान्यता प्रदान करा लेता है उसे पंजीकृत करवा लेता है रजिस्टर्ड करवा लेता है तो वह कहलाता है ट्रेडमार्क इससे कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है ब्रांड अथवा उसके किसी भाग को यदि कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है उसे ट्रेडमार्क कहते हैं यह संरक्षण किसी अन्य फर्म द्वारा इसके प्रयोग के विरुद्ध मिलता है जिस फर्म ने अपने ब्रांड का पंजीयन करा लिया है उसे इसके उपयोग करने का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है ऐसी स्थिति में देश में कोई अन्य फर्म इस नाम अथवा चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकती जो ऐसी वस्तुएं होती है उन पे टी टीएम लिखा होता है या आर लिखा होता है इस प्रकार से वो ट्रेडमार्क प्राप्त कर लेते हैं पंजीकृत हो जाते हैं एकाधिकार प्राप्त हो जाता है उन्हें ब्रांडिंग के कारण पैकेजिंग लेबल कानूनी संरक्षण आदि की लागत के कारण वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती है फिर भी इसमें विक्रेता एवं उपभोक्ता दोनों को अनेक लाभ लाभ हैं। हैं कई प्राप्त होते विक्रेता को भी और उपभोक्ता को भी क्या लाभ उत्पाद में अंतर्भेद करने में सहायक उत्पाद में आसानी से अंतर्भेद किया जा सकता है विज्ञापन एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों में सहायक उपभोक्ता आसानी से पहचान सकता है उत्पादों की स्थायी पहचान बन जाती है ये ब्रांडिंग के लाभ है एक अच्छे ब्रांड नाम की विशेषताएं ब्रांड नाम संक्षिप्त होना चाहिए इसका उच्चारण करना बोलना पहचान करना एवं याद करना सरल होना चाहिए दूसरा ब्रांड ऐसा हो इससे उत्पाद के लाभ एवं गुणों का पता लगे यह उत्पाद के कार्यों के अनुरूप होना चाहिए ब्रांड नाम भिन्नता लिए होना चाहिए ब्रांड नाम अलग-अलग होने चाहिए यह नहीं एक जैसे ब्रांड के नाम के ही कई सारे उत्पाद बाजार में हों देखिए उसमें भिन्नता होनी चाहिए ब्रांड नाम ऐसा हो कि उसे पैकिंग लेबलिंग की आवश्यकताओं विज्ञापन के विभिन्न माध्यम एवं विभिन्न भाषाओं में अपनाया जा सके ब्रांड का नाम पर्याप्त लोच वाला हो जिससे कि उत्पाद श्रृंखला में जिन नए उत्पादों को जोड़ा जाए उनके लिए भी इसे उपयोग में लाया जा सके तो ब्रांड का नाम ऐसा भी हो जिसे कई सारे उत्पादों के लिए काम में लाया जा सके जैसे फिलिप्स कंपनी है वह इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती है तो फिलिप्स की ट्यूबलाइट भी आती है फिलिप्स के बल्ब भी, भी आते हैं लेकिन नाम क्या होता है फिलिप्स ब्रांड नाम क्या है फिलिप्स तो इसी प्रकार से उसमें लोचशीलता होनी चाहिए प्रश्न नंबर किसी उत्पाद या सेवा की कीमत के निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है देखिए किसी उत्पाद या सेवा की कीमत को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में पूछा गया है उत्पाद या सेवा की कीमत के निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक वस्तु की लागत किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व लागत है देखिए यदि लागत बहुत अधिक है तो मूल्य भी अधिक रखना होगा यदि लागत कम आ रही है किसी वस्तु के निर्माण में तो मूल्य कम रखा जा सकता है क्योंकि कोई भी उत्पादक फर्म अपनी लागत को वसूलने के हिसाब से ही मूल्य निर्धारित करती है इस लागत में वस्तु के उत्पादन वितरण एवं विक्रय की लागत सम्मिलित होती है लागत वह न्यूनतम अथवा आधार मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जा सकता है दीर्घ अवधि में कोई भी फर्म अस्तित्व में नहीं रह सकती जब तक कि वह अपनी पूरी लागत को न वसूले लागत आ रही है दस रुपये और वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया नौ रुपए तो एक रुपये की यहाँ क्या हो रही है हानि हो रही है दीर्घ काल तक कोई भी फर्म इस प्रकार की हानि बर्दाश्त नहीं कर सकती लागत तीन प्रकार की होती है स्थायी लागत परिवर्तनशील लागत एवं अर्ध परिवर्तनीय लागत स्थायी स्थिर लागत वह लागत है जो फर्म की क्रियाओं के स्तर जैसे उत्पादन विक्रय की मात्रा के परिवर्तन के साथ नहीं बदलती देखिए यह लागत स्थायी संपत्तियों के क्रय पर आती है जैसे आपने मशीन लगाई है तो मशीन पर स्थायी रूप से लागत आ गई है जो लागत व्यवसाय की मात्रा के अनुपात में बढ़ती घटती है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं अर्ध परिवर्तनीय लागत वे लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ती घटती तो है लेकिन समान अनुपात में नहीं एक निर्धारित व्यवसाय स्तर जैसे बिक्री की मात्रा अथवा उत्पादन की मात्रा पर स्थायी अर्ध परिवर्तनीय एवं परिवर्तनशील लागतों को मिलाकर कुल लागत बनती है इन तीनों को मिलाकर कुल लागत का निर्धारण होता है और उसी से एक फर्म अपने मूल्य को निर्धारित करती है उपयोगिता एवं मांग देखिए वस्तु की उपयोगिता कैसी है साथ ही उसकी मांग कैसी है यह भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाला कारक है क्रेता जो मूल्य देना चाहता है उत्पाद की उपयोगिता एवं मांग की तीव्रता उसके ऊपर के स्तर का निर्धारण करेगी वास्तव में मूल्य में लेन देन के दोनों पक्ष क्रेता एवं विक्रेता के हित परिलक्षित होने चाहिए कम से कम मूल्य के बदले में प्राप्त उत्पाद की क्रेता के लिए उपयोगिता है देखिए एक वस्तु किसी उपभोक्ता को दस रुपये में प्राप्त हो रही है उसी प्रकार की वस्तु उसे नौ रुपये में ही प्राप्त हो रही है समान गुणवत्ता की वस्तुएं हैं तो वह नौ रुपये मूल्य वाली वस्तु को क्रय करना पसंद करेगा क्योंकि उसके लिए उसकी उपयोगिता बहुत अधिक है मांग के नियम के अनुसार उपभोक्ता ऊंची कीमत की तुलना में कम मूल्य पर अधिक मात्रा में क्रय करते हैं यदि किसी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा है तो उसकी मांग क्या हो जाती है कम हो जाती है लेकिन यदि कीमत कम कर दी जाती है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग की लोच पर निर्भर करता है मांग लोचपूर्ण मानी जाएगी यदि मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी मांग में भारी परिवर्तन आता है यदि मांग बेलोच है तो मूल्य में वृद्धि पर कुल प्राप्ति कम हो जाएगी यदि मांग बेलोच है तो फर्म ऊंची मूल्य होती है उन ऊंची मूल्य पर उस वस्तु को बेचता है बाजार में प्रतियोगिता की सीमा देखिए बाजार में प्रतियोगिता कैसी है इसका भी उत्पाद के मूल्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है यदि प्रतियोगिता कम है तो अधिक कीमत वसूली जा सकती है और यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता है तो मूल्य को कम रखना होता है मूल्य कहा निश्चित किया जाएगा यह प्रतियोगिता की प्रकृति एवं उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा यदि प्रतियोगिता कम है तो मूल्य ऊंचा होगा यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता है तो मूल्य कम होगा मूल्य निर्धारण से पहले प्रतियोगी उत्पादों का मूल्य ही नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता एवं अन्य लक्ष्य को रखना चाहिए इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए सरकार एवं कानूनी नियम मूल्य निर्धारण में अनुचित व्यवहार के विरुद्ध जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए सरकार हस्तक्षेप कर वस्तुओं के मूल्यों का नियमन कर सकती है देखिए जो जनसाधारण के लिए आवश्यक उत्पाद होते हैं उनकी कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है जैसे दवाओं का जो मूल्य होता है वह सरकार द्वारा क्या किया जाता है नियंत्रित किया जाता है उसका मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है किसी भी उत्पाद को सरकार आवश्यक वस्तु घोषित कर उसके नियमन कर सकती है उदाहरण किसी कंपनी द्वारा निर्मित दवा सरकार इसके लिए दवा को अनिवार्य वस्तु घोषित कर मूल्य का नियमन करेगी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य किसी भी वस्तु अथवा सेवा का मूल्य निश्चित करने को प्रभावित करने वाला तत्व मूल्य निर्धारण का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना अल्प अवधि में अधिक लाभ उत्पादों का अधिकतम मूल्य लेने से प्राप्त होगा जल्दी ही यदि आप लाभ कमाना चाहते हैं तो अधिक मूल्य निर्धारित कर लाभ कमा सकते हैं लेकिन वह संगठन दीर्घ काल तक नहीं टिक सकता लेकिन दीर्घ अवधि में अधिकतम कुल लाभ प्राप्त करने के लिए यह प्रति इकाई कम मूल्य रखेगी जिससे कि यह बाजार को बड़े भाग पर कब्जा कर सके तथा बढ़ी हुई बिक्री द्वारा अधिक लाभ कमा सके कीमत निर्धारण के अन्य उद्देश्य निम्न हो सकते हैं कि फर्म बाजार में भागीदारी में अग्रणी रहने के लिए अपने उत्पादों के मूल्य को नीचे स्तर पर रखती है देखिए बाजार में भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक उत्पादक फर्म अपने उत्पादों के मूल्य को कम रखती है प्रतियोगी बाज़ार में टिके रहने के लिए फर्म अपने उत्पादों पर छूट दे सकती है अथवा प्रवर्तन योजना चला सकती है जिससे कि अपने संग्रहित माल को निकाल सके उत्पाद गुणवत्ता में अग्रिम स्थान पाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर किए गए उच्च व्यय को पूरा करने के लिए ऊंचे मूल्य पर माल बेचा जाता है विपणन की पद्धतियां देखिए विपणन की जो पद्धतियां होती है वे भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर विपणन के अन्य घटक जैसे वितरण प्रणाली विक्रयकर्ताओं की गुणवत्ता विज्ञापन की गुणवत्ता एवं कितना विज्ञापन किया गया है विक्रय संवर्धन के कार्य पैकेजिंग किस प्रकार की है उत्पाद की अन्य उत्पादों से भिन्नता उधार की सुविधा एवं ग्राहक सेवा का भी प्रभाव पड़ता है प्रश्न नंबर पांच उत्पादों के भौतिक वितरण में शामिल प्रमुख गतिविधियों की व्याख्या करें देखिए भौतिक वितरण में शामिल गतिविधियां कौन कौन सी है उसे देख लेते हैं पहला है आदेश की प्रक्रिया देखिए आदेश ग्राहक से उत्पादक तक जाता है उत्पाद का प्रवाह वितरण के विभिन्न माध्यमों से ग्राहक की ओर होता है जबकि आदेश इसके विपरीत दिशा में चलता है अर्थात ग्राहक से निर्माता की ओर जाता है एक अच्छी वितरण प्रणाली वह है जिसमें आदेश की पूर्ति सटीक एवं शीघ्र होती है अन्यथा व्यवसाय को हानि होगी होगी। और ख्याति की दूसरा है परिवहन परिवहन वस्तु एवं कच्चे माल को उत्पादन बिंदु से बिक्री स्थल तक ले जाने का माध्यम है वस्तुओं के भौतिक रूप से उपलब्ध कराए बिना बिक्री कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता भंडारण भंडारण वस्तुओं को संग्रहण एवं वर्गों में विभक्त करने का कार्य है जिससे समय उपयोगिता का सृजन होता है वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना एवं उनके संग्रहण की व्यवस्था करना है वस्तु के उत्पादन के समय और उसके उपभोग के समय में अंतर हो सकता है देखिए उत्पादन किसी अन्य तिथि को हो रहा है उत्पादन हो रहा है आपका चौबीस जनवरी को जबकि जो वस्तु की बिक्री हो रही है वो हो रही है तीस अप्रैल को तो देखिए इस अवधि के दौरान आपको आपके उत्पाद को कहीं पर रखना होगा और यह कार्य भंडारण के द्वारा ही किया जा सकता है वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना तथा एवं उनके संग्रहण की व्यवस्था करना है वस्तु के उत्पादन के समय और उसके उपभोग के समय में अंतर हो सकता है इसलिए भंडारण की आवश्यकता होती है ग्राहकों के पास अधिक भंडार गृह होंगे तो माल पहुंचाने में उतना ही कम समय लगेगा लेकिन भंडारण की उतनी ही लागत बढ़ जाएगी और भंडार गृह यदि कम संख्या में होंगे तो इसके विपरीत होगा जिन उत्पादों को लंबी अवधि के लिए संग्रहण की आवश्यकता है जैसे कृषि उत्पाद उनके लिए ही भंडार गृह उत्पादन समीप ही स्थित होते हैं इससे वस्तुओं के परिवहन की लागत कम आती है उत्पाद भारी होते हैं तथा जिन्हें ढोना कठिन होता है तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं बाजार के समीप के केंद्रों पर रखी जाती है चौथा है संग्रहित माल पर नियंत्रण भंडारण संबंधित निर्णय से स्टॉक में रखे माल के संबंध में निर्णय जुड़ा है जो कई निर्माताओं की सफलता की कुंजी है कितना माल स्टॉक में रखना है कितना अधिक रखना है या कम रखना है यह एक व्यवसाय की सफलता की कुंजी होती है इस पर निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है स्टॉक में रखे माल के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय इस संबंध में लेना है कि इसका स्तर इस क्या होगा ज्यादा रखना है या कम रखना है जितनी अधिक मात्रा स्टॉक में रखे माल की होगी उतनी ही अच्छी सेवा ग्राहक प्राप्त कर पाएंगे लेकिन माल को स्टॉक में रखने की लागत एवं ग्राहक सेवा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है प्रश्न नंबर छह विज्ञापन पर व्यय एक सामाजिक अपशिष्ट है क्या आप सहमत हैं चर्चा करें देखिए विज्ञापन पर जो खर्च किया जाता है वह सामाजिक अपशिष्ट नहीं होता है क्योंकि इससे उत्पादों के बारे में जानकारी समाज तक पहुंचती है ग्राहकों तक पहुंचती है विज्ञापन पर वह एक सामाजिक अपशिष्ट है इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुंचाकर आसानी से विक्रय वृद्धि की जाती है इसको निम्न बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं लागत में वृद्धि विज्ञापन के कारण उत्पादन की लागत में अनावश्यक रूप से वृद्धि होती है जो बड़े हुए मूल्य के रूप में क्रेता को ही वहन करनी होती है उदाहरण के लिए टेलीविजन पर कुछ सेकेंड के विज्ञापन पर विपणनकर्ता को लाखों रुपयों की लागत आती है विज्ञापन पर जो धन व्यय किया जाता है उससे लागत में वृद्धि होती है उत्पाद की कीमत निर्धारण में जो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी वस्तु के विज्ञापन पर काफी लागत आती है लेकिन क्रेताओं को उत्पाद की विशेषताओं के संबंध में पता लगता है तथा वे इसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं इससे उत्पाद की मांग में वृद्धि होती है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है इससे बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ मिलते हैं देखिए विज्ञापन से लागत तो बढ़ती है लेकिन क्रेता जब उसे खरीदने का मन बनाते हैं तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ती है और जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन भी अधिक करना होता है और जब उत्पादन बढ़ेगा तो लागत में क्या आ जाती है कमी आ जाती है इससे मूल्य भी कम ही रखा जाता है प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है क्योंकि कुल लागत को इकाइयों की बड़ी संख्या में बांट दिया जाता है इससे उपभोक्ताओं पर भार कम होता है बढ़ता नहीं है दूसरा है सामाजिक मूल्यों में कमी विज्ञापन से सामाजिक मूल्यों की अवहेलना होती है तथा भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है इससे लोगों में असंतोष पैदा होता है वह अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाते हैं कुछ विज्ञापन नई जीवन शैली दर्शाते हैं जिनको सामाजिक मान्यता नहीं मिलती यह आलोचना भी पूरी तरह से सत्य नहीं है विज्ञापन लोगों को नए उत्पादों के संबंध में सूचना देकर उनकी सहायता करता है देखिए विज्ञापन से लोगों को उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है जो नए उत्पाद बाजार में है नई गुणवत्ता वाले अच्छी गुणवत्ता वाले जो बाजार में उत्पाद आते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है वस्तु को खरीदना है अथवा नहीं इसका अंतिम निर्णय तो क्रेता को ही करना है यदि तो खरीदेंगे असमंजस्य खरी विज्ञापन में इतने अधिक उत्पादों का विज्ञापन होता है और सभी समान दावा करते हैं जिससे क्रेता असमंजस में पड़ जाता है कि इनमें से कौन सत्य है और किस पर विश्वास किया जाए उदाहरण डिटर्जेंट पाउडर टूथपेस्ट कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि अपने उत्पादों के विशेष बातें बताते हैं विज्ञापन के माध्यम से जिससे एक क्रेता ऐसा में आ जाता है विज्ञापन के समर्थकों का तर्क है कि ग्राहक विवेकशील है तथा किसी भी उत्पाद को क्रय करते समय मूल्य बनावट आकार आदि तत्वों को ध्यान में रखते हैं क्रेता किसी उत्पाद का क्रय करने से पहले विज्ञापन में दी गई सूचना एवं दूसरे स्रोतों से प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर अपनी शंका को दूर कर सकते हैं चौथा घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन विज्ञापन श्रेष्ठ एवं घटिया वस्तुओं में अंतर नहीं करता तथा लोगों को घटिया वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित करता है श्रेष्ठता एवं घटियापन गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो एक तुलनात्मक अवधारणा है इच्छित गुणवत्ता का स्तर लक्षित ग्राहकों को आर्थिक स्थिति एवं पसंद पर निर्भर करता है विज्ञापन की दी गई गुणवत्ता वाली वस्तुओं की बिक्री करता है और ग्राहक इसे तभी खरीदता है तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है देखिए ग्राहक किसी भी वस्तु को तभी खरीदता है जब उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है यदि आवश्यकता पूरी हो रही है तभी वह उस उत्पाद को खरीदेगा और अच्छी तरह जानकर उसके बारे में जानकारी एकत्र करके पूर्ण विश्लेषण के बाद ही वह उस उत्पाद को खरीदता है कोई भी विज्ञापन उत्पाद की गुणवत्ता का झूठा वादा नहीं कर सकता देखिए विज्ञापन करता अपने विज्ञापन में किसी भी उत्पाद के बारे में झूठा दावा नहीं कर सकते यदि वे ऐसा करते हैं तो उन पर मुकदमा दायर किया जा सकता है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात विज्ञापन और व्यक्तिगत बिक्री व्यक्तिक विक्रय के बीच अंतर करें देखिए इन दोनों के बीच में अंतर पूछा गया है देखते हैं पहला अंतर है विज्ञापन संदेश वाहन का अव्यक्तिक स्वरूप है जबकि व्यक्तिक विक्रय व्यक्तिक विक्रय संदेश वाहन का व्यक्तिगत स्वरूप है देखिए विज्ञापन में क्या होता है आप किसी माध्यम से विज्ञापन करते हैं अपने उत्पाद का प्रचार करते हैं लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं इसमें किसी एक व्यक्ति तक आप जानकारी नहीं पहुंचाते ये सभी के लिए होता है आपने टीवी पर विज्ञापन किया वह सभी के लिए है जबकि जो व्यक्तिगत विक्रय है इसमें विक्रेता क्रेता के सामने जाकर क्रेता के सामने उपस्थित होकर उससे संवाद करता है और क्रेता भी अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है दूसरा अंतर है विज्ञापन में मानक संदेश प्रसारित होता है अर्थात बाजार के किसी भाग में सभी ग्राहकों को समान संदेश भेजना सभी ग्राहकों के लिए एक ही प्रकार का संदेश भेजा जाता है विज्ञापन के माध्यम से जबकि व्यक्तिक विक्रय में ग्राहक की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बातचीत को ढाला जाता है ग्राहक की क्या आवश्यकता है ग्राहक की पृष्ठभूमि क्या है उसके अनुरूप ही व्यक्तिक विक्रय किया जाता है विज्ञापन बेलोच होता है इसमें किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं कर सकते जबकि व्यक्तिक विक्रय बहुत अधिक लोचपूर्ण होता है क्योंकि इसमें संदेश को आवश्यकता अनुसार ढाला जा सकता है देखिए विज्ञापन में संदेश को अलग अलग परिस्थितियों में नहीं डाला जा सकता नया ही विज्ञापन आपको तैयार करना होगा जबकि व्यक्तिक विक्रय में क्या है ग्राहक के अनुसार आप अपनी बातचीत को ढाल सकते हैं चौथा विज्ञापन की जनसाधारण तक पहुंच होती है अर्थात इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सकता है विज्ञापन के माध्यम से आप देश विदेश में बैठे हुए लोगों तक आसानी से पहुंच बना लेते हैं जबकि व्यक्तिगत विक्रय समय एवं लागत के कारण सीमित लोगों से ही संपर्क साधा जा सकता है इसमें आप बहुत कम लोगों तक ही पहुंच बना सकते हैं क्योंकि इसमें निश्चित समय में आपको अपनी वस्तु के बारे में उत्पाद के बारे में जानकारी देनी होती है तो समय और लागत अधिक आने के कारण सीमित लोगों तक ही संपर्क किया जा सकते है। विज्ञापन में प्रति लक्षित व्यक्ति व्यय बहुत कम होता है जबकि व्यक्तिक विक्रय में प्रति व्यक्ति लागत काफी अधिक होती है छठा विज्ञापन में बाजार तक पहुंच में कम समय लगता है देखिए विज्ञापन के माध्यम से आप बाजार के बहुत बड़े भाग तक आसानी से पहुंच बना लेते हैं जबकि व्यक्तिगत विक्रय में पूरे बाजार के लिए बहुत समय लगता है आपको एक एक क्रेता तक पहुंच बनाने में बहुत अधिक समय लगता है सातवां विज्ञापन में जनसाधारण के समाचार माध्यम टीवी रेडियो समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को अपनाया जाता है जो जनसाधारण के समाचार माध्यम है रेडियो है टेलीविजन है पत्र पत्रिकाएं हैं समाचार पत्र हैं। इनके माध्यम से जानकारी प्रसारित की जाती है जबकि व्यक्तिगत विक्रय में विक्रय कर्मचारियों को रखा जाता है जिनकी पहुंच सीमित होती है देखिए विज्ञापन में क्या है टेलीविजन पर कोई विज्ञापन प्रसारित किया गया तो वह दूर दूर तक फैले हुए लोगों तक पहुंच जाता है जो भी उस विज्ञापन को देख रहे हैं समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया है आपने तो जो लोग भी उसे देखेंगे उन तक वह संदेश पहुंच जाता है जबकि व्यक्ति विक्रय में जब विक्रयकर्ता किसी क्रेता तक पहुंचता है तभी संदेश प्रसारित होता है विज्ञापन में प्रत्यक्ष प्रत्युतर की कमी होती है विज्ञापन के संबंध में ग्राहकों की प्रतिक्रिया की जांच के लिए विपणन अन्वेषण की आवश्यकता होती है देखिए विज्ञापन में प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। क्रेता क्या सोचता है? इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है जबकि विक्रय प्रत्यक्ष एवं तुरंत प्रत्युतर मिलता है विक्रयकर्ता ग्राहकों की प्रतिक्रिया के संबंध में तुरंत जान जाते हैं विक्रयकर्ता को ग्राहकों की जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में तुरंत ही जानकारी मिल जाती है व्यक्तिक विक्रय में प्रश्न नंबर आठ वितरण के चैनलों की पसंद का निर्धारण करने वाले कारकों की व्याख्या करें देखिए विपणन के जो फैसले होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होता है वितरण चैनल का उपयोग करना कि उत्पादक किस वितरण चैनल का उपयोग करके अपने उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाएगा आजकल जो उत्पादक होता है वह सीधे ही ग्राहक तक अपने उत्पाद पहुंचाने लगे हैं तो इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती कुछ जो उत्पादनकर्ता होते हैं वे फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से वे फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से ग्राहक तक अपने उत्पाद पहुंचाते हैं और कुछ उत्पादक ऐसे होते हैं निर्माता ऐसे होते हैं जो थोक विक्रेता उसके बाद में फुटकर विक्रेता के माध्यम से अपने उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं देखिए ये ये जो बीच में है, है मध्यस्थ और आप किस चैनल का प्रयोग करेंगे आप बिना मध्यस्थ के काम करेंगे आप कम मध्यस्थों के साथ काम करेंगे या अधिक मध्यस्थों के साथ काम करेंगे यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है यह निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है पहला वितरण उत्पादित तो उत्पाद के प्रकार पर निर्भर करेगा यह वितरण चैनल कैसा अपनाएंगे यह उत्पादित उत्पाद पर आधारित होता है किस प्रकार का आपका उत्पाद है उस पर आधारित होता है यह जांच की जानी चाहिए कि उत्पाद निम्नलिखित विशेषताओं का है या नहीं शीघ्र नष्ट होने वाली या शीघ्र नष्ट, वा नष्ट नहीं होने वाली वस्तु है आपकी जो वस्तु है वह शीघ्र नष्ट होने वाली है या शीघ्र नष्ट नहीं होने वाली वस्तु है वह उच्च या निम्न मूल्य का उत्पाद आपका जो उत्पाद है उसका मूल्य अधिक है या उसका मूल्य कम है औद्योगिक या उपभोक्ता उत्पाद आपका जो उत्पाद है वह उपभोक्ता उत्पाद है या फिर औद्योगिक उत्पाद है द उत्पाद की जटिलता इन सभी बिंदुओं के आधार पर वितरण चैनल का प्रयोग किया जाता है उसका चयन किया जाता है दूसरा है कंपनी की विशेषताएं उत्पाद की पसंद को निर्धारित करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाएगी प्रमुख बिंदु यह है कि कंपनी मध्यस्थों और बाजार पर नियंत्रण करना चाहती है देखिए हर कंपनी यह चाहती है कि मध्यस्थ उसके नियंत्रण में हो और बाजार के बहुत बड़े भाग पर उसका नियंत्रण स्थापित हो इसके लिए वह उत्पादन का कार्य करती है और इसी अनुरूप वह अपने मध्यस्थों का चयन भी करती है तीसरा प्रतियोगिता का स्तर और प्रतियोगियों द्वारा अपनाई गई वितरण चैनल रणनीति कंपनी द्वारा अपनाए गए वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है देखिए प्रतियोगिता का स्तर कैसा है साथ ही प्रतिस्पर्धी किस प्रकार के वितरण चैनल को अपना रहे हैं यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी कंपनी के द्वारा अपने वितरण चैनल को चयनित करने के लिए तो इसके अंदर वह प्रतिस्पर्धी कंपनी के जो रणनीति अपनाई गई है जो वितरण चैनल अपनाया गया है उसको भी अपना सकती है या उससे अलग कोई वितरण चैनल भी अपना सकती है कंपनी प्रतिस्पर्धी का विश्लेषण करने के बाद एक जैसी रणनीति अपना सकती है या किसी अन्य का उपयोग कर सकती है चौथा बिंदु विभिन्न कारक जैसे कानूनी नीतियां और वित्तीय बाधाएं भी वितरण निर्णय के चैनल को प्रभावित करती है देखिए कानूनी जटिलताएं यदि बहुत अधिक हैं, तो भी वितरण चैनल प्रभावित होता है साथ ही साथ वित्तीय बाधाएं भी यदि आती है तो उससे वितरण चैनल प्रभावित होता है यदि वितरण के बड़े चैनलों के जुड़ाव में अधिक कानूनी जटिलताएं शामिल है तो कंपनियों की वितरण के छोटे चैनलों को चुनने में अधिक रुचि होगी यदि बहुत बड़ा आपने वितरण चैनल चुना है और उसके लिए आपको काफी कानूनी बाधाओं को पार करना पड़ता है तो ऐसे में कंपनियां कानूनी औपचारिकताओं से बचने के लिए छोटे चैनलों पर जोर देती है पांचवा चैनल वितरण का विकल्प विभिन्न बाजार कारकों जैसे मांग बाजार का आकार क्रेताओं की जनसंख्यिकी से भी प्रभावित हो सकता है मांग कैसी है उत्पाद की बाजार का आकार कैसा है और क्रेताओं की संख्या कैसी है इससे भी वितरण चैनल प्रभावित होता है यदि उपयोगकर्ता आधार एक बड़े क्षेत्र में फैला है तो बड़े वितरण चैनलों को चुना जा सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है यदि जो उत्पादक है वह कहीं एक क्षेत्र पे है और जो उसके उत्पाद के उपयोग करता है वे दूर दूर हैं तो ऐसे में उसे बड़े वितरण चैनल का प्रयोग करना होता है और यदि उसके जो उपयोग करता है वह सीमित क्षेत्र में ही फैले हुए हैं उसके निकट ही फैले हुए हैं तो वह छोटे चैनल का भी प्रयोग कर सकता है बच्चों आज इस वीडियो में हमने इस अध्याय के निबंधात्मक प्रश्न देखिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद